नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है महतो गार्डनिंग टिप्स में। और मैं पूरन कुमार महतो आप लोग को फिर से एक वीडियो लाया हूं आप लोग को साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हम कोई भी वीडियो अपने चैनल में डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ऐसे ही गार्डनिंग से लेकर रोचक टिप्स मैं देते रहता हूँ समय समय पर। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों में भी शेयर करें हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के लिए बोले आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस ये जो पौधे दिख रहे हैं, ये दिखने में तो बांस की पत्ती या फिर जो अदरक होता है उनके पत्ते के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये बहुत कोई देख के पहचान लिए होंगे। तो ये ख़ास तौर पर ये इलायची का पौधा है और मैंने इसे एक छोटा सा नर्सरी से 30 रुपया में लाया था, जो कि इसमें 3 ई था, इसका बीज इस तरह से 3 ही था। और अभी ये देख सकते हैं कितने आ गए हैं, निकल गए हैं इसका शूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा 9, और ये देख सकते हैं ये छोटा सा 10 निकल चुका है। और इसे मैंने सीमेंट के बैग पर मिट्टी डाल के रखा है, देख सकते हैं। और ये काफ़ी 6-7 महीना हो चुका है और बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहे हैं। और आप शायद आपको मालूम होगा कि इस इलायची तकरीबन 1 साल के बाद ही आते हैं, जब 1 साल पुराना पौधा होता है तब। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इलायची मैंने लगाया है। तो आप भी लोकल नर्सरी से ला के इलायची लगा सकते हैं अपने घर में इस तरह से। और देखिए इसका मिट्टी भी अभी थोड़ा बहुत नमी है, तो मैं इस पर पानी डाल देता हूँ ताकि नमी बनी रहे इस पर। तो आप देख सकते हैं बहुत हेल्दी है ये इलायची का पौधा, और ये तकरीबन 1-1.5 साल में ये इस पर इलायची आना शुरू हो जाता है। तो जब इलायची आएगा तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अपना चैनल में। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप हमें हमारा यूट्यूब चैनल महतो गार्डनिंग टिप्स में आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को और दोस्तों में शेयर करें, और हमारे वीडियो को दोस्तों में सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो डालूं इस गार्डनिंग टिप्स को लेकर। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा।